9 महीने पहले जिस मार्ग पर स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ था, उसी मार्ग पर गुरुवार सुबह फिर से एक बस पलट गई है। ये हादसा सुलियाणी कुठेड़ मार्ग पर हुआ है। हादसे में एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे नूरपुर अस्पताल लाया गया। वहीं 2 छात्रों को हल्की चोटें पहुंची हैं। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तहसीलदार ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल जाना। गौरतलब है कि 9 महीने पहले इसी मार्ग पर स्कूल बस खाई में गिर गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 23 बच्चों सहित 27 की मौत हो गई थी। आज ये बस हादसा भी उसी मार्ग के पास हुआ है। गनीमत ये रही कि बस गहरी खाई में नहीं गिरी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटना के कारणों का पता लगा रही है। भाजपा युवा नेता भवानी पठानिया ने बताया कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे कि सड़कें सिकुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के घरों का पानी भी सड़कों पर आ रहा है, जिससे कि आम जनता को परेशानी हो रही है। बड़ा क्लियर है कि लोगों की इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा सड़क की तरफ, और जहाँ पे सरकार का एक नॉर्म है कि PWD के पास जो 5 मीटर की क्वायर वो कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी लोगों के घरों का पानी जो है सड़क पे आ रहा है। लोगों की इंक्रोचमेंट जो है 2-2 मीटर तक अंदर तक है, तो इसमें ऐसे में कहाँ से जो है वो गाड़ी निकलेगी। स्कूल प्रबंधन संजय सौगनी ने बताया कि बस पास लेने के लिए जैसे ही रुकी, वहां पर सड़क धस गई और स्कूल की बस पलट गई। उन्होंने बताया कि सड़क में पानी बहता रहता है, जिस कारण सड़क धस गई है। बस के रुकते ही सड़क धस गई और ये हादसा हुआ। ये जो बस हादसा, जैसे बस लुटकी है, बस तो रोज रोजाना जाती थी, आज क्या कारण लग रहा है, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बस ये रोज ही यहाँ से बच्चों को लेने जाती है, सिंबली से चलती है और कोई टोटल 6 या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके स्कूल में आ जाती है, लेकिन रोज जाती है। आज ड्राइवर जैसा बताया है मुझे, बच्चे लेके जा रहा था तो सामने से और गाड़ियां आ रही थी, तो उनको देख के वो वहां पे ब्रेक लगा दिया। जैसे ब्रेक लगाया तो वहां पे सड़क बिल्कुल गल गई हुई है पानी की वजह से। अब मुझे नहीं पता वो पानी कहाँ से आ रहा है, और विड्थ भी वहाँ पर बहुत कम है, तो खड़ी बस एकदम धीरे से टिल्ट हो गई। और भगवान का लाख लाख शुक्र है और पेरेंट्स की अच्छी दुआएं हैं हमारे साथ, इसीलिए सभी बच्चे सेफ हैं और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। और ड्राइवर कितने बच्चे थे इसमें? इसमें कोई 28-30 बच्चे थे और सभी सेफ हैं, और सभी हम अपने अपने बच्चों को एक एक घर में छोड़ के आए हैं, सभी माँ बाप के पास हैं, और किसी भी पेरेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर को थोड़ी सी चोट आई है, हम उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं।